दिल्ली की एक कोर्ट ने पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को झटका देते हुए उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता की इस दलील को खारिज कर दिया है कि शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्रवाई में देरी हुई है या मामला धीमी गति से आगे बढ़ रहा है। कोर्ट का कहना है कि इस देरी के लिए सिसोदिया खुद जिम्मेदार हैं। स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने कहा कि पूर्व मंत्री बिना गंभीरता वाले आवेदन दायर करके केस की कार्रवाई में देरी कर रहे हैं। मंगलवार को आपको बताएं उन्होंने 42 पेज के ऑर्डर में जज ने कहा है कि यह साफ है कि आवेदक व्यक्तिगत रूप से विभिन्न आरोपियों के साथ या कई आवेदन दाखिल कर रहा है, बार बार मौखिक सबमिशन दे रहा है और इनमें से कुछ गंभीरतापूर्ण नहीं है। वही टुकड़ों के आधार पर ऐसा जाहिर तौर पर मामले में देरी करने के मकसद से किया जा रहा है। सिसोदिया को जमानत देने से इनकार करते हुए जज ने कहा कि आवेदक का यह तर्क कि उसने कार्रवाई में हो रही है देरी और उसमें देरी करने का मुख्य कारण है कि सिसोदिया खुद से योगदान नहीं दे रहे हैं या मामला धीमी गति से इसलिए आगे बढ़ रहा है, इस दलील को नहीं माना जा सकता। सिसोदिया केस में पूरी तरीके से कोर्ट ने गलती बता दी है। दरअसल सिसोदिया ने कहा था कि अभियोजन पक्ष में पिछले साल सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया था कि केस 6-8 महीने में खत्म हो जाएगा और यदि मुकदमा लंबा खिंचता है या धीमी गति से आगे बढ़ता है तो वह शीर्ष अदालत के 30 अक्टूबर 2023 के आदेश के अनुसार अगले 3 महीने में जमानत पाने के हकदार होंगे। हालांकि अदालत ने इस मामले की प्रोग्रेस को स्लो करने की कोशिश के बावजूद इनकी तुलना जो है किसी भी तरीके से स्नेल से नहीं की जा सकती। वहीं कोर्ट ने आदेश में कहा है कि पार्टी की प्रगति में तथाकथित देरी के लिए साफ तौर से आवेदक जिम्मेदार है। कोर्ट ने 13 महीने में जेल में रहने के बाद रिहा हुए सह आरोपी बिनॉय बाबू के साथ समानता की मांग करने वाली सिसोदिया की दलील को भी खारिज कर दिया और कहा कि उनके खिलाफ आरोपों की प्रकृति में अंतर है और सिसोदिया की इस दलील को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया कि उन्होंने अपनी पत्नी की हेल्थ कंडीशन के कारण जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा है कि उनकी याचिका में उनकी रिहाई के लिए किसी भी मेडिकल इमरजेंसी या मेडिकल कंडीशन का हवाला नहीं दिया गया। जज ने कहा कि आवेदक ने अपनी याचिका में कहा है कि परिवार में पत्नी का सपोर्ट करने के लिए और इसके अलावा और कोई नहीं है। यह तथ्यात्मक रूप से गलत है क्योंकि आवेदक का एक बेटा है और उसकी पत्नी का जो देखभाल भी कर सकता है। अब ऐसे में सिसोदिया को माना जा रहा है कि कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। लेकिन आपको बता दें सिसोदिया जब से गिरफ्तार हुए हैं एक साल से ज़्यादा उनकी गिरफ्तारी को हो गया है, वो 7 बार कोर्ट में अर्जी डाल चुके हैं और उनकी अर्जी हर बार खारिज हो गई है। अब ऐसे में देखना होगा, सुप्रीम कोर्ट की तरफ तो नहीं लेकिन उन्होंने हाई कोर्ट की तरफ रुख किया है, अब ऐसे में हाई कोर्ट उनको किस तरीके की राहत देते हुए नजर आता है, राहत मिलती है या फिर सिसोदिया को भी फिर से फटकार मिलती हुई नजर आएगी।